जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल टिप्स में। दोस्तों, आज की मेरी जो फिजिकल या मेडिकल की जो टिप्स रहने वाली है वो रहने वाली है आपके टीथ पे, यानी आपके दांत का जो मेडिकल होता है उसका। जिस बहुत सारे बच्चों के अभी दांत दांत है, ये मतलब कईयों के टूट गया है, कईयों के कीड़ा लग गया है, कईयों के दांत में छेद है, कईयों के दांत में बहुत सारा गैप है, वो चिंतित हो जाते हैं मेडिकल को लेकर कि सर हम मेडिकल पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मेडिकल को लेकर जो आपकी चिंता है, टीथ को लेकर स्पेशली, मैं टीथ को लेकर आपको मेडिकल के कुछ पॉइंट है। कईयों का एक्स्ट्रा टीथ हो रखा है, कईयों के टीथ है ही नहीं, तो उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए, क्या नकली दांत लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसमें वो मसाला भराना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों आप सभी को पता है। अभी प्रेजेंट टाइम में SSGD की वैकेंसी आने वाली है और इसी के मेडिकल से संबंधित बच्चे सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं इससे पहले बताने से पहले आपको बता दूं, दोस्तों हमारी जो अकेडमी में भी आके आप फिजिकल या मेडिकल के साथ साथ रिटर्न की तैयारी कर सकते हो गारंटी बेच में। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम आपकी पूरी की पूरी फीस आपको रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये गारंटी बेच चलता है 1.5 साल के लिए, लाड लो कुचामन सिटी नागौर राजस्थान में, ये हमारे अकेडमी का एड्रेस है, आप वहां पे आके तैयारी कर सकते हो। हेल्पलाइन का जो नंबर है आपको पट्टी पे दिखेगा, उस पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो लाड लो। अब मैं बता दूं कि आपके मेडिकल में अगर टीथ की प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम में आपको डरने की जरूरत है। लाड लो वो सारे, अगर टीथ में गैप है तो SSGD में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एक्स्ट्रा टीथ है यानी एक टीथ ज्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या आपके 32 टीथ नहीं है यानी कम है, 32 से कम, तो भी SSGD के मेडिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन कौन सी कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपका कोई टीथ टूट गया है यानी आपके 2-3 टीथ आपके टूटे हुए हैं, या आपके टीथ में गैप है, या आपके टीथ में कीड़ा लग गया, या आपकी डाढ़ उखाड़नी पड़ी है, उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है लाड लो। यानी अगर आपके टीथ में मान लो कीड़ा लग रखा है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है तो उस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जा सकता है। तो अब इनके क्या उपाय है, क्या मसाला बनाना चाहिए या नकली टीथ लगाना चाहिए, तो दोस्तों मैं बता दूं, अब नकली टीथ लगाओगे तो भी पकड़ में आ जाएगा कि हाँ नकली टीथ लगाया, या मसाला भराओगे तो वो भी साफ नजर आ जाएगा। लेकिन आपके पास में इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, आपके जिन बच्चों के कीड़ा लग गया टीथ में या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको लाड लो जिनको कीड़ा लग गया उनको तो जल्दी से डॉक्टर से परामर्श लेके उसको कैसे भी करके ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। अब जिनके टीथ यानी उखाड़ दिए या डाढ़ उखाड़नी पड़ी है, निकालनी पड़ी है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो इस कंडीशन में आपको लाड लो जल्दी से जल्दी आप नकली टीथ लगाने की कोशिश नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में नकली टीथ लगाते हैं, तो दोस्तों वो जो टोपी लगा देते हैं दांत के ऊपर जिनको वो दांत में प्रॉब्लम होती है, तो वो जब भी आप मेडिकल का चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि उसमें आपको री मेडिकल दे, ठीक है, और री मेडिकल के समय आप वापस उसका डॉक्टर से दिखा के उसका कोई इलाज है वो जो प्रॉब्लम बताई वो दूर करा सकते हैं। कई बार आपका हल्का सा दांत टूटा हुआ रहता है फिर भी आप उसको घबरा के जाते नहीं हो मेडिकल देने, तो आपको जाना जरूर है, ट्राई जरूर मारनी है दोस्तों, क्या पता आप मेडिकली फिट हो जाओ, तो ट्राई आपको जरूर करनी है। हाँ, उस कंडीशन में अगर आपका टीथ में दांत उखाड़नी पड़ी है, दांत में ज्यादा ही कीड़ा लग गया, दांत सड़ गया, उस कंडीशन में मेडिकल पॉइंट वो 100% है। अब बहुत सारे बच्चों के जो पीलापन रहता है उसका क्वेश्चन रहता है कि सर पीलापन में क्या होगा, तो पीलापन के लिए आपको कोई मेडिकल पॉइंट नहीं देगा। अगर आपके दांतों में हल्का फुल्का पीलापन है तो उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं बनेगा, उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना लाड लो, क्योंकि पीलापन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है पानी की वजह से भी हो जाता है, या आपके एक्स्ट्रा टीथ है जैसा कि मैंने बताया, दांतों के बीच में गैप है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके टीथ थोड़े बहुत बाहर निकल रहे हैं उसकी वजह से भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो लाड लो जितनी प्रॉब्लम, मेन जो मुख्य प्रॉब्लम मैंने बताई जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक तो आपके टीथ में बहुत ज्यादा कीड़ा लग गया, 1 या 2 दांत आपको निकालनी पड़ी वो, या आपके 2 या 3 दांत ही टूट गए उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जिनको उखाड़ना पड़ा, अगर दांत थोड़ा बहुत टूटा भी है तो SSGD के मेडिकल को आप फाइट कर लोगे लाड लो, ठीक है। तो टीथ में बाकी जिनके जैसे गैप वेप वाली है, पीलापन वाली, ये जो प्रॉब्लम है इनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दांतों को साफ भी करा सकते हो मशीन से और फिर मेडिकल भी दे सकते हो, उस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लाड, ठीक है। जय हिंद, जय भारत लाड लो।